हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे छोटे से घर में स्वागत है। वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड, शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम, आप सबका मेरे छोटे से घर में स्वागत है। आ जाओ आप सब, आ जाओ। ये हमारा एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंटर करेंगे हमारे घर में। और ये देखिए सामने गणपति बप्पा। एक्चुअली में इंटर करते ही मेरा लिविंग रूम इस तरह का दिखता है। मैं आपको बाहर इंट्रेंस से स्टार्ट करके दिखाती हूँ। तो ये है हमारे घर का इंट्रेंस, लेफ्ट साइड में सूर्यक, और ये देखिए ऊपर फ्रेम करवा के मैंने काली मग को लगा रखा है। हमारी कुलदेवी काली हैं। तो चलिए घर के अंदर चलते हैं। और घर के अंदर इंटर करते ही ये देखिए बाहर से हमारा घर लिविंग रूम ऐसा दिखता है। ये देखिए सिंपल सा है, बहुत कुछ मैंने घर में नहीं लगा रखा है। एल शेप में एक सोफा है, बीच में सेंटर टेबल, और ये देखिए सामने मेरा बेडरूम, ये टीवी यूनिट, ये कॉर्नर है ऐसा, मैंने क्रिसमस ट्री अभी नहीं हटाया है। और कॉर्नर के बगल में बच्चों का कमरा था और ये हमारा कमरा। सामने एक और कमरा है जो हमने स्टोर रूम के लिए यूज कर रखा है, और उसी से लगा हुआ पूजा रूम। तो चलिए एक बार कैमरा को गोल घुमाते हैं। ये देखिए दीवान, फिर सोफा, और वो सामने स्टोर रूम, स्टोर रूम के बगल में हमारा बेडरूम, बेडरूम के बाद ये टीवी यूनिट, और ये देखिए कॉर्नर, और वहाँ कोने में बच्चों का रूम, फिर बाथरूम जो लिविंग रूम से अटैच है, उसके बगल में किचन, और ये डाइनिंग टेबल जहाँ पर हम सब बहुत कम आप सबको खाते हुए मिलेंगे। मोस्टली हम लोग सोफा पर बैठ के खाना पसंद करते हैं, क्योंकि सामने टीवी चलता होता है तो वही हमें अच्छा लगता है। लिविंग रूम से तो आप सबने हमारे सारे रूम्स देख लिए, मेरे बच्चों के स्टोर रूम, अटैच्ड जो लिविंग रूम से है टॉयलेट, वो किचन। तो अब सबसे पहले किचन के अंदर चलते हैं। तो ये देखिए लिविंग रूम से अटैच बाथरूम, जहाँ मैं बाद में चलूंगी, और ये उसके बगल में किचन। किचन में इंटर करते ही मम्मी दा ढाबा है, ये देखिए जो 24/7 खुला होता है, और उसके पीछे एप्रन है हमारा। साइड में यहाँ पर कीच, बच्चों के कुछ आइडेंटिटी कार्ड हैं, गाड़ी की चाबी, और एक कैलेंडर। ये पिछले साल का ही कैलेंडर है, इस साल मैंने चेंज नहीं किया है, अभी जाके लाऊंगी। तो बस ये सारी चीजें यहाँ होती है, और इसके ऊपर ये फैन लगा हुआ है। सामने जस्ट फ्रिज है, और उसके ऊपर ये कैबिनेट है, तो उसमें सारे हमारे क्रॉकरीज रहते हैं। और ये देखिए ये हमारा छोटा सा ट्राइपॉड यहाँ पर, ये देखिए चाय की पत्ती, बिस्किट, चीनी, और छोटा सा ये बाबरची। और ये एरिया तो कुकिंग करते वक्त कितने बार आपने देखा होगा, नमक और प्लांट्स। और इस वाले कैबिनेट में मेरे टी सेक्शंस हैं, सारे दाल्स हैं, ये देखिए इसके बगल में है। और ये चिमनी हो गया, और ये चिमनी के ऊपर का पार्ट, और ये नीचे गैस, और बगल में इसमें मेरे सारे बर्तन हैं। वैसे बर्तन जो डेली यूज में नहीं यूज होते, पार्टीज में यूज होते हैं, स्टीमर, इडली मेकर, मोमो मेकर, और यहाँ पर मैं खाना बना के रखती हूँ। और ये सामने खिड़की है एक छोटा सा, ये सिंक एरिया हुआ, इधर आरओ हो गया, इसमें मसाले और ग्रोसरी के सामान होते हैं, और इधर सारे बर्तन होते हैं डेली यूज के, इसमें भी सारे बर्तन प्लेट्स। इधर स्टोर है, स्टोर एरिया है, आलू प्याज आटा चीनी। और ये देखिए ये सिंक के नीचे का एरिया है, और इधर भी एक्चुअली मेरा यू शेप में किचन का कैबिनेट है, तो इधर भी बना हुआ है कैबिनेट। इधर सारे मसाले होते हैं, अचार, ओट्स, बिस्किट्स, और ऊपर ये देखिए इस तरह से है, सिलबट्टा है, सिलबट्टा तो मस्ट है, ग्राइंडर जार्स, ओवन, एयर फ्रायर, जूसर, मिक्सर ग्राइंडर। तो ये देखिए ऐसा दिखता है मेरा किचन। और किचन के बाद ये देखिए अटैच्ड
लिविंग रूम से ये बाथरूम है। तो ये देखिए छोटा सा है, ये देखिए, और ये देखिए ये बाथरूम के जस्ट बगल से बच्चों के रूम का एंट्रेंस है। तो चलिए बच्चों के रूम में चलते हैं। और इस रूम में तो आप सब कई बार आ चुके हो, तो ये देखिए बेड है, और बेड के जस्ट बगल में उस साइड बच्चों के कुछ चीजें हैं। दो मैंने ग्रीन कलर का मग रख रहा है, उसमें बच्चों के पेंस हैं, इरेजर हैं, बच्चों के चार्जर भी वहीं पर रखे होते हैं। और राइट साइड ये देखिए बच्चों के वार्डरोब, ऊपर विंटर का कपड़ा रहता है और नीचे नॉर्मल कपड़े यूज के और पार्टी वियर्स। इस साइड सरस्वती का वार्डरोब है, बीच में कॉमन है जिसमें दोनों के लैपटॉप्स, आईपैड या पर्सेज होते हैं, और ये संभवी का। इस साइड टीवी है, ये देखिए। और इंटर करते ही जस्ट डोर के पीछे ये एक और वार्डरोब है जिसमें हमारा चादर, पिलोस, ब्लैंकेट्स ये रखे होते हैं। और ये देखिए कमरे से आगे थोड़ा सा एक्सटेंडेड एरिया है, ये देखिए यहाँ एसी लगा हुआ है। यहाँ भी मैंने बहुत सारा वार्डरोब बना रखा है, और इसको प्लीज इग्नोर करना, सासुती यहाँ पर केमिस्ट्री के फॉर्मूले चिपका के रखती है, जब भी नहा दे जाती है तो एक बार इसको पढ़ लेती है। तो यहाँ पर भी मैंने स्टोरेज के लिए एक्स्ट्रा वार्डरोब बना रखा है, तो जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं, ब्लैंकेट्स होते हैं, इधर रखा होता है। और ये बच्चों का कंप्यूटर, और यहीं से मेरा ये देखिए दूसरा टॉयलेट है जो रूम से अटैच है, ये देखिए। तो बस ये टॉयलेट है, इस साइड वॉश बेसिन है, ये देखिए। नॉर्मली इस वाले टॉयलेट को मैं, सांभवी, सास्वती यूज करते हैं, और बाहर वाले का दिनेश जी और गेस्ट। Oh, face to face in this trashy bar. ये देखिए लिविंग रूम में इंटर करते ही बिल्कुल फ्रंट में ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम के राइट साइड में वो देखिए दिनेश जी का वार्डरोब, और वार्डरोब से फिर राइट जाएंगे तो इधर देखिए ये बालकनी का डोर, इसको इग्नोर करना फ्रेंड्स, अभी विंटर है तो हीटर रखना मस्ट है। और इधर देखिए, जैसे ही मैं बेडरूम में एंटर करती हूँ तो सबसे पहले लेफ्ट साइड ये मेरा वार्डरोब है पूरा का पूरा। स्टार्टिंग में इस वाले वार्डरोब में मैं अपने साड़ी रखती हूँ, साड़ी ब्लाउज मैच करके। ये ड्रेसिंग टेबल है बीच में, और इधर मेरे सलवार कमीज होते हैं, विंटर के क्लॉथ्स होते हैं, और ये ऊपर देखिए राधा कृष्ण। और यहाँ पर वॉच हो गए, मैंने एक डब्बा रख रखा है जिसमें फोन का चार्जर होता है, एक फैमिली पिक भी है, और ये देखिए इधर फैमिली पिक्स लगे हुए हैं सारे। और जब हम बालकनी के लिए बाहर निकलते हैं तो इस साइड ये देखिए थोड़ा सा स्पेस है, इधर विंडो है, और यहाँ पर भी कुछ सास्वती के सामान रखे होते हैं। तो बस यही है हमारा बेडरूम। तो चलिए अब बालकनी चलते हैं, बेडरूम से ही अटैच बालकनी है। एक्चुअली में मेरे पास दो बालकनी था पहले जो हमने परचेज किया था, एक बालकनी को कवर करके मैंने स्टोर रूम बना लिया जो अभी आप सबसे शेयर करूंगी, और ये बालकनी ओपन है। मेरा फ्लैट बिल्कुल फ्रंट साइड में है, सामने रोड है, तो छोटा सा भी बालकनी है, यहाँ खड़ा होना मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सुबह से ही रात के 12-1 बजे तक बिल्कुल हलचल होती है, तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, अपने बालकनी में खड़े हो जाओ तो बिल्कुल टाइम पास मेरा हो जाता है। और ये देखिए वॉशिंग मशीन मैंने यहीं पर रख रखा है, थोड़े से गमले हैं, बस यही है छोटा सा बालकनी मेरा। इसी बालकनी में मैंने एक और सूर्यक बना रखा है, एक तो आपने स्टार्टिंग में एंट्रेंस में देखा होगा, और एक यहाँ पे है, जितने भी अच्छे वाले सूज हैं वो यहाँ होते हैं, और डेली यूज के बाहर एंट्रेंस में। और ये जो मैंने आप सबसे शेयर किया हुआ है स्टोर रूम, जो मैं बालकनी को कवर करके बनाई हुई हूँ। स्टोर रूम से मतलब है बच्चों के बुक्स,
जितने भी उनके जैसे हारमोनियम हो गए, गेम्स के सामान हो गए, सारे इसी रूम में होते हैं। ये देखिए छोटा सा मैंने फ्रिज भी रख रखा है, ऊपर दोनों साइड कैबिनेट है जिसमें बच्चों के बुक्स हैं, और ये इधर बेड भी मैंने लगा रखा है। बच्चों को अगर बैठ के यहाँ पढ़ाई करना होता है या सरस्वती हारमोनियम की प्रैक्टिस करती है तो यहीं बैठ के करती है। इधर टेबल कुर्सी लगा हुआ था, आपने देखा बुक लगा हुआ है, कभी कभी सरस्वती यहाँ पढ़ती भी है। मैंने एक बड़ा सा वार्डरोब भी रख रखा है, इसमें कपड़े हैं, तो स्टोर भी है रूम और बच्चों का स्टडी रूम भी है कभी कभार के लिए। और ये देखिए सामने मंदिर है मेरा, छोटा सा मंदिर में ही मैंने इन्वर्टर रख रखा है। और बस ये छोटा सा मंदिर है, इस साइड भी मैंने कैबिनेट बना रखा है जिसमें दिनेश जी के पूजा के बुक्स हैं, बहुत सारे पूजा के सामान होते हैं। और मंदिर के जस्ट ऊपर मैंने ये देखिए काली माँ का एक बड़ा सा टाइल्स लगवा रखा है। और ये देखिए एक पिक मेरे सास ससुर का है। बस ये छोटा सा मेरा मंदिर है, और एक गैरेज भी है नीचे जिसे हमने स्टोर रूम के लिए रख रखा है। ये एक स्कूटर गैरेज है जिसे हमने स्टोर रूम बना रखा है। फ्रेंड्स, यही था मेरे छोटे से घर का टूर। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो बस मैंने कुछ चेंजिंग नहीं किए हैं, कोई मेकओवर नहीं किया है, जैसा है घर मैंने आप सबसे शेयर कर लिया है। और अभी मेकओवर संभव भी नहीं है क्योंकि सरस्वती का बोर्ड है, जब तक सरस्वती सेटल नहीं हो जाती बस मैं कोशिश रहेगी मैं मेकओवर नहीं करूं, जैसा घर है वैसा ही रहेगा फ्रेंड्स। और मेरा फ्लैट दिल्ली द्वारका में है, डीडीए का फ्लैट है, 2 बेडरूम का 2 BHK फ्लैट है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप सबको मेरा छोटा सा घर, कमेंट में बताना जरूर। ब्लॉग में यहीं पे खत्म करती हूँ और मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।